इस ऊंची पढ़ाई में पास होने के लिए मुख्य शिक्षा कौन सी मिलती है? उसके लिए किस बात पर विशेष अटेंशन चाहिए? तो बाबा ने कहा, इस पढ़ाई में यदि पास होना है तो आंखें बहुत बहुत पवित्र होनी चाहिए, क्योंकि ये आंखें ही धोखा देती हैं, यही क्रिमिनल बनती हैं। शरीर को देखने से ही कर्मेंद्रियों में चंचलता आती है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये जो देह अभिमान पैदा होता है, तो बाबा ने कहा वो आंखों से ही होता है। तो आंखों का बाबा ने कहा पवित्र होना जरूरी है, इसलिए आंखें कभी भी क्रिमिनल ना हो, पवित्र बनने के लिए बहन भाई होकर रहो, याद की यात्रा पर पूरा पूरा अटेंशन दो। गीत है धीरज धर मनवा तेरे सुख के दिन आएंगे ओम शांति, ये किसने कहा? बेहद के बाप ने बेहद के बच्चों को कहा। जैसे कोई मनुष्य बीमारी में होता है तो उनको फिर धैर्य दिया जाता है, धीरज धरो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। उनको खुशी में लाने के लिए फिर आदत दी जाती है, अर्थात धैर्य दिया जाता है। अब वह तो हद की बातें हैं, ये बेहद की बात है, इनके कितने ढेर बच्चे होंगे। सबको दुख से छुड़ाना है, ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुमको भूलना नहीं चाहिए। बाबा आए हैं हम सबकी सदगति करने के लिए, सर्व का सदगति दाता, तो इसका मतलब सभी क्या है, दुर्गति में हैं। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र, उनमें भी खास भारत आम दुनिया को कहा जाता है, खास तुम सुख धाम में जाएंगे, बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे। बुद्धि में आता है बरोबर हम सुख धाम में थे तो और धर्म वाले फिर शांति धाम में थे। बाबा आया था भारत को सुख धाम बनाया था, तो एडवर्टाइजमेंट भी ऐसी करनी चाहिए। समझाना है हर 5000 वर्ष के बाद निराकार शिव बाबा आते हैं, वे सभी का बाप है, बाकी तो सब ब्रदर्स है, ब्रदर्स ही पुरुषार्थ करते हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं कि ब्रदर ही पुरुषार्थ करते हैं, फादर से वर्षा लेने के लिए, ऐसे तो नहीं कि फादर्स पुरुषार्थ करते हैं। अब बाबा ने कहा सब फादर्स हो जाए तो पुरुषार्थ कौन करेगा और किससे वर्षा लेंगे, ये तो हो नहीं सकता है। अभी तुम समझते हो, ये बहुत सहज बातें हैं बाबा जो हम बच्चों को समझा रहे हैं, बहुत सहज बातें हैं। सत्यों में एक ही देवी देवता धर्म होता है, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाती हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कर कहते हैं तो ज़रूर एक ही हिस्ट्री ज्योग्राफी है जो रिपीट होती है। कलयुग के बाद फिर सत्ययुग होगा, दोनों के बीच में फिर संगम युग भी जरूर होगा। इसको कहा जाता है सुप्रीम पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। अभी तुम्हारी नई दुनिया और पुरानी दुनिया होती है, पुराने झाड़ में जरूर बहुत पत्ते होते होंगे, नए झाड़ में तो थोड़े पत्ते होते हैं। वह सतो प्रधान दुनिया, इनको तमो प्रधान दुनिया कहते हैं। तुम्हारा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बुद्धि का ताला खुलता है, क्योंकि सब यथार्थ रीति बाप को याद नहीं करते हैं तो धारणा भी नहीं होती है। बाबा तो हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं परंतु तकदीर में नहीं है। ड्रामा अनुसार जो अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बाबा के मददगार बनेंगे, हर हालत में वही ऊंच पद पाएंगे। स्कूल में स्टूडेंट भी समझते हैं हम कितने मार्क्स से पास होंगे, जो तीव्र वेगी जोर से पुरुषार्थ करते हैं। ट्यूशन के लिए फिर टीचर रखते हैं कि कैसे भी करके पास हो जाएं, तो बाबा झट बताएंगे ये तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। जैसे हद के स्टूडेंट समझते हैं, बेहद के स्टूडेंट भी समझ सकते हैं। बाबा ने कहा
बुद्धि से समझा जाता है, हमसे घड़ी घड़ी ये भूलें होती हैं। विकर्म होता है, रजिस्टर खराब होगा तो रिजल्ट भी फिर ऐसी ही निकलेगी। हर एक अपना रजिस्टर रखें, यूँ तो ड्रामा अनुसार सब नोंद हो जाती है। खुद भी समझते हैं हमारा रजिस्टर तो बहुत खराब है, ना समझ सके तो बाबा बता देंगे। स्कूल में रजिस्टर आदि सब रखते हैं ना बच्चों के लिए, हाँ कैसा है पढ़ने में, तो सब रखा जाता है उसका रजिस्टर। इनका तो दुनिया में किसी को भी पता नहीं है, नाम ही रखा है गीता पाठशाला, वेद पाठशाला कभी नहीं कहेंगे, वेद उपनिषद ग्रंथ आदि किसी की भी पाठशाला नहीं कहते हैं। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट होती है, हम भविष्य में ये बनेंगे। कोई वेद शास्त्र बहुत पढ़ते हैं तो उनको भी फिर टाइटल मिलता है, कमाई भी होती है, कोई कोई तो बहुत कमाई करते हैं, परंतु वह कोई अविनाशी कमाई नहीं है, साथ नहीं चलेगी। ये सच्ची कमाई साथ में चलनी है, बाकी सब खत्म हो जाएगी। तुम बच्चे जानते हो हम बहुत बहुत कमाई कर रहे हैं, हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। सूर्यवंशी डिनास्टी है तो जरूर बच्चे तख्त पर बैठेंगे। बाबा ने कहा, बहुत ऊंच पद है, तुमको ये स्वप्न में भी नहीं था। क्या स्वप्न में नहीं था? कि हम पुरुषार्थ करके ऐसा राज्य पाएंगे। बाबा ने कहा, ये तो अभी समझ मिलती है ना। इसको कहा जाता है राजयोग, वह होता है बैरिस्ट्री योग, डॉक्टरी योग भी कहते हैं। पढ़ाई और पढ़ाने वाला याद रहता है, यहाँ भी ये है सहज याद, याद में बहुत मेहनत है। बाबा ने कहा, याद करने में ही मेहनत है, अपने को देही अभिमानी समझना पड़े। आत्मा के अंदर ही संस्कार भरते हैं, बहुत आते हैं जो कहते हैं हम तो शिव बाबा की पूजा करते थे। हाँ, भक्ति मार्ग में भी कई ऐसे बच्चे हैं जो शिव को बहुत अपना आराध्य समझ करके पूजा पाठ करते थे, व्रत आदि करते थे। तो बाबा ने कहा, गणेश आदि की पूजा करते थे, कोई हनुमान की पूजा करते थे, वे ये नहीं जानते थे शिव को ही बाबा कहते हैं, कि वही आलमाइटी है, सबका पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है, और किसी को भी बाबा नहीं कहेंगे। हनुमान गणेश आदि की भी पूजा करते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं होती है। अजमेर में भले एक मंदिर है, बाबा ने कहा ब्रह्मा का केवल एक ही मंदिर है, वो भी अजमेर में है, वहाँ के थोड़े ब्राह्मण लोग पूजा करते होंगे, बाकी गायन आदि कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का कितना गायन होता है, ब्रह्मा का नाम नहीं, क्योंकि ब्रह्मा तो इस समय सांवरा है। फिर बाबा आकर इनको एडॉप्ट करते हैं, ये भी बहुत सहज है, तो बाबा बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते हैं। बुद्धि में सदा ये रहे, शिव बाबा हमको सुना रहे हैं। वे बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, हमारा गुरु भी है। शिव बाबा ज्ञान का सागर हमको पढ़ाते हैं। अभी तुम, बाबा ने कहा, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बनते हो, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, ये भी तुम समझते हो। आत्मा अविनाशी है और आत्माओं का पिता भी अविनाशी है, ये भी दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। वे तो सब पुकारते ही हैं, बाबा हमको पति से पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आकर समझाओ, ये तो बाबा खुद आकर के सुनाते हैं। पति से पावन, फिर पावन से पतित कैसे बनेंगे, ये भी हिस्ट्री रिपीट कैसे होती है, वह भी बाबा हम बच्चों को बताते हैं। ये भी 84 का चक्र है, हम पतित क्यों बने, फिर हम पावन बन करके कहाँ जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, ये भी समझना जरूरी है ना। मनुष्य तो सन्यासी आदि के पास जाकर कहेंगे मन की शांति कैसे हो, ऐसे तो नहीं कहेंगे हम संपूर्ण निर्विकारी पावन कैसे बने। बाबा ने कहा, ये बात कोई भी नहीं समझाएगा और कोई भी ऐसा बना नहीं सकता जो बाबा हम बच्चों को बना रहे हैं।
ये कहने में लज्जा आती है। अभी बाबा ने समझाया, तुम सब भक्तियाँ हो, मैं हूँ भगवान और मुझे ब्राइड ग्रूम कहते हैं और तुम सब मेरी ब्राइड्स हो, अर्थात भगवान साजन है और हम सब आत्मय सजनियाँ हैं। तुम सब मुझे याद करते हो, मैं मुसाफिर बहुत ब्यूटीफुल हूँ, सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को मैं खूबसूरत बना देता हूँ। वंडर ऑफ वर्ल्ड स्वर्ग ही होता है ना। बाबा ने कहा यहाँ भी 7 वंडर्स गाए जाते हैं, वहाँ तो वंडर ऑफ वर्ल्ड एक ही स्वर्ग है। बाबा भी एक है, स्वर्ग भी एक है, जिसको सभी मनुष्य मात्र याद करते हैं। यहाँ तो कुछ भी वंडर है नहीं। तुम बच्चों के अंदर धीरज है, किस बात का धीरज है? बाबा ने आज धीरज दिलाया, तुम्हारे सुख के दिन आने वाले हैं। तुम समझते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, तब तो हमें राजाई मिले स्वर्ग की। अभी अजुन राजाई स्थापन नहीं हुई है, हाँ हमारी प्रजा बनती जाती है। सर्विस की वृद्धि कैसे हो, सबको पैगाम कैसे दें? बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, बाकी सबका विनाश कराते हैं। ऐसे बाप को तो याद करना चाहिए जो बाप हमको राज तिलक का हकदार बना करके बाकी सबका विनाश करा देते हैं। नेचुरल कैलेमिटीज भी ड्रामा में नूंदी हुई है, इसके बगैर दुनिया का विनाश हो नहीं सकता है। बाबा कहते अभी तुम्हारा इम्तहान बहुत नज़दीक है। मृत्यु लोक से अमर लोक ट्रांसफ़र होना है, जितना अच्छी रीति पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। क्योंकि प्रजा अभी अपनी बना रहे हो, पुरुषार्थ करके सबका कल्याण करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाबा ने कहा हाँ परिवर्तन का कार्य अपने घर से ही शुरू करना चाहिए। तो बाबा ने कहा आहिस्ते आहिस्ते फिर वृद्धि हुई, पहले मित्र संबंधी बिरादरी आदि वाले आएंगे, फिर पीछे पब्लिक आएगी। शुरू में भी ऐसे ही हुआ, बच्चों को रहने के लिए बड़ा मकान बना जिसको फिर ओम निवास कहते थे। बच्चे आकर पढ़ने लगे, ये सब ड्रामा में नून थी जो फिर रिपीट होगी, इसको कोई बदल थोड़े ही सकता है। ये पढ़ाई कितनी ऊंची है, याद की यात्रा ही मुख्य है, मुख्य आंखें सबसे बड़ा धोखा देती हैं। बाबा क्या समझा रहे हैं, आंखें ही धोखा देती हैं, आंखें क्रिमिनल बनती हैं, तब शरीर की कर्मेंद्रियाँ चंचल होती हैं। कोई अच्छी बच्ची को देखते तो बस उसमें फंस जाते हैं, ऐसे बहुत दुनिया में केस होते हैं। गुरु की भी क्रिमिनल आई हो जाती है, यहाँ बाप कहते हैं क्रिमिनल आई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, भाई बहन होकर रहेंगे तब पवित्र रह सकेंगे। मनुष्यों को क्या पता, वह तो हंसी करेंगे, शास्त्रों में तो ये बातें हैं नहीं। बाबा कहते हैं ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है, पीछे द्वापर से ये शास्त्र आदि बनते हैं। अब बाबा मुख्य बात कहते हैं, अलफ को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अपने को आत्मा समझना है, तुम 84 का चक्र लगाकर आए हो, अभी फिर तुम्हारी आत्मा देवता बन रही है। देखो छोटी सी आत्मा और उसमें 84 जन्मों का पाठ बूंदा हुआ है, ये भी वंडर है। ऐसे वंडर ऑफ वर्ल्ड की बातें बाबा ही आकर के हम बच्चों को समझाते हैं। कोई का 84 का, कोई का 50-60 जन्मों का पाठ है, परम पिता परमात्मा को पाठ मिला हुआ है। ड्रामा अनुसार ये भी अनादि अविनाशी ड्रामा है, शुरू कब होता है बंद कब होता है ये कोई नहीं कह सकते, क्योंकि ये अनादि बना बनाया अविनाशी ड्रामा है, ये कोई भी नहीं जानते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकीलड़े बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की
रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। और आज है धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स। आज सारा दिन क्या चिंतन करना है हमें, हाँ बाबा को याद करना है। और अभी इम्तिहान का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए पुरुषार्थ करना है, अपना और सर्व का कल्याण करना है, खुद का भी कल्याण करना है और औरों का भी कल्याण करना है, पढ़ना और पढ़ाना है, जिसको बाबा कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने घर से ही, अपने से ही पहले परिवर्तन करना है, तब औरों का परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। जैसे आज की मुलिम बाबा ने कहा, खुद बदलेंगे तो मित्र संबंधी आदि स्वतः ही बदलेंगे। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बन, अविनाशी सच्ची कमाई जमा करनी है, अपना रजिस्टर रखना है। कोई भी ऐसा विकर्म नहीं होना चाहिए जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। और आज की मुरली का वरदान है, निमित्तपन की स्मृति से, निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। आज की मुरली बाबा ने यह वरदान में दिया कि स्वयं को हमेशा निमित्त समझो, ट्रस्टी समझो, और ट्रस्टी बनकर के हर कार्य को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माया का गेट बंद हो जाएगा और डबल लाइट बन जाएंगे। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं, उन्हें डबल लाइट स्थिति का स्वतः अनुभव होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं तो निमित्त हूँ, इस स्मृति से सफलता होती है। मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं पन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते हैं और डबल लाइट भी बन जाते हैं, साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर वन लेने का आधार बन जाती है। और आज की मुरली का स्लोगन है, त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज मिल जाएगी। त्रिकालदर्शी बनकर के बाबा ने कहा, तीनों कालों की स्मृति रख करके कोई भी कार्य करना है, आधि मध्य अंत समझ करके, सोच समझ के करना है, तो बाबा ने कहा क्या हो जाएगा, तो हर कार्य में सफलता मिलती रहेगी। ओम शांति।